हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्केयर स्टडीज। यहाँ हम कर रहे हैं UGC-NET सोशियोलॉजी का सिलेबस। आज का हमारा टॉपिक है G.H.Mead। G.H.Mead बोर्न इन 1863 एंड डाइड इन 1931। G.H.Mead नोन एज फादर ऑफ सिम्बोलिकल इंटरेक्शनिज्म, ये हमारे रहे हैं अमेरिकन फिलोसोफर्स। यहाँ मैंने इनकी काफ़ी बुक्स को नोट डाउन किया हुआ है, जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, रिपीटेड PYQ है ये हमारे UGC-NET का, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पब्लिश इन 1934। और बुक्स हैं जो इनकी टुवर्ड्स ऑफ थ्योरी ऑफ द फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन पब्लिश इन 1900 एंड सोशल सेफ, द नेचर ऑफ द पास्ट, द फिलोसॉफी ऑफ द एक्ट पब्लिश इन 1938। जो G.H.Mead डैन का एक फेमस कोटेशन है, मैन लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जो G.H.Mead है, ये सोसाइटी क्या है, एक मेन फैक्टर है किसके अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर। एज यू नो, सोशलाइजेशन क्या होता है कि किसी व्यक्ति का हम समाजीकरण कैसे करते हैं। कोई छोटा बच्चा, उसको जब उसका जन्म होता है उसको ये नहीं पता होता कैसे उसको कपड़े डालने हैं, कैसे उसको दूसरों के साथ व्यवहार करना है। ये सब चीज़ें हमें समाज सिखाता है। जो G.H.Mead है वो सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज को महत्वपूर्ण स्थान देती है। अकॉर्डिंग टू Mead, ये इनकी फेमस थ्योरी की हम यहाँ बातें करते हैं, सेल्फ थ्योरी की। ओके, सेल्फ थ्योरी। ये सेल्फ थ्योरी को दो तरीके से बताएंगे, सोशल इंटरेक्शन और रोल प्लेइंग। जो सेल्फ थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू Mead, थ्री एक्टिविटीज थ्रू इन विच सेल्फ इज डिवेल्प, जिनके अंदर, जिन एक्टिविटीज से जो है हमारा सेल्फ डिवेल्प होता है। फर्स्ट इज लैंग्वेज प्ले एंड थर्ड इज और लास्ट गेम। लैंग्वेज है, मैं अब आपको जो बोल रही हूँ ये आपको समझ आ रहा है। यदि मैं यही कंटेंट किसी और लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको वो समझ नहीं आएगा। ऑब्वियस बात है कि आपको उन सिंबल्स का नहीं पता है, वो सिंबल्स किस लैंग्वेज में है, उनको कैसे यूज करना है। तो लैंग्वेज क्या है, हमारे लिए एक सिंबल का काम करती है, हमें समाज को समझने में एक सिंबल है। लैंग्वेज क्या है, एक मेन फैक्टर है सोशलाइजेशन का। सेल्फ है, ये दो तरीके के वर्ड होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। सेल्फ रिलेटेड टू प्राइवेट वर्ल्ड, यानी सेल्फ व्यक्ति का, इंसान का खुद का डेवलप होता है, ये कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस है। हाँ, जो इंसान आज 10 साल की उम्र में उसकी गतिविधियां हैं, उसकी एक्टिविटीज हैं, उसकी हॉबीज हैं, मे बी वो चेंज हो जाए आफ्टर 20 और 25 ईयर्स। तो सेल्फ क्या है, कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस है। हिज सेल्फ कोई डिफाइन करते हैं, हिज ओन थॉट अबाउट यूनिफाइड गोल ऑफ हिज और हर बॉडी इमोशन थॉट्स एंड एक्शन। जो किसी भी इंसान की बॉडी है, इमोशंस है, उसके विचार और उसकी क्रियाएं हैं, वो क्या करती है, सेल्फ को डिटरमाइन करती है। सेल्फ यानी सब। इसकी तीन स्टेजेस जो है Mead हमें बताते हैं। पहली स्टेज आती है 0 से 2 वर्ष की, जिसके अंदर बच्चा सिर्फ अपनी माँ से ही लगाव रखता है, उसको अच्छे तरीके से सिंबल्स यूज नहीं करने आते। 0 से 2 वर्ष, इसके अंदर बच्चे का समाजीकरण परिवार के अंदर होता है। फिर उसकी आती है प्ले स्टेज, वो कॉपी करना सीखता है। मान लो किसी के घर में फादर है जो जोर जोर से हंस रहा है, तो बच्चा उसको देखकर जोर जोर से हंसेगा। यदि किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो बच्चा, मतलब बच्चे के ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ता है। किस स्टेज के अंदर, प्ले स्टेज के अंदर। देन आती है लास्ट में गेम स्टेज। गेम स्टेज में वो अदर पीपल से मीट होता है, लाइक टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, उसका पीयर ग्रुप, उनसे वो इंटरेक्ट करता है। ये तीन स्टेजेस है सेल्फ की। सेल्फ के बाद बातें करते हैं वो अदर्स की। अदर्स, अदर्स में कौन आ गए, बंदे से, मतलब इंसान से जो दूसरी बॉडीज है, दूसरे शरीर है, वो सब किसके अंदर आते हैं, अदर्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर पेरेंट्स, स्कूल, क्लोज एसोसिएशन एंड सोसाइटी एज अ होल, पूरा ही समाज उससे अलग है। इसके अंदर दो तरीके के अदर्स की वो बातें करते हैं, फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट अदर एंड सेकेंड इज जर्नलाइज्ड अदर। सिग्निफिकेंट अदर्स के अंदर उसके आते हैं क्लोज रिलेटिव्स लाइक पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। कोई बच्चा है जिस टाइम वो छोटा होता है, तो वो देखता है कि उसकी सारी रियरिंग केयरिंग उसकी मदर कर रही है, तो बच्चे को यूं लगाव हो जाता है कि, मतलब वो ये सोचता है ये शरीर अलग है लेकिन मैं
ये मेरी तरह ही, मतलब जैसे मानो खुद की केयर करती हूँ ऐसे ही वो मेरी केयर करती है, माँ के प्रति उसका एक अलग लगाव हो जाता है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट अदर। एंड सेकंड क्या होता है, जर्नलाइज्ड अदर। ये जर्नलाइज्ड अदर्स आर दोज पीपल व्हेन वी टेकन एनी एक्टिविटी, व्हेन वी डूइंग एनी एक्टिविटी वी थिंक दैट व्हाट पीपल थिंक। हम ये सोचते हैं किसी भी काम को करते समय, ये कर दिया तो मैंने समाज क्या सोचेगा, जिसमें ये लोग आते हैं ना, समाज क्या सोचेगा, ये समाज में कौन, वो लोग क्या सोचेंगे, एक्स वाई पर्सन स्पेसिफिक क्या सोचेगा मेरी इस एक्टिविटी के बारे में, दैट इज जर्नलाइज्ड अदर। नेक्स्ट ये बातें करते हैं आई एंड मी की। आई इज वट एवर, यानी ये होता है जो होने दो, उस चीज की बातें करता है आई। एंड मी, मी क्या है, सोफिस्टिकेटेड है, कंट्रोल है, सोफिस्टिकेटेड यानी उसकी लिमिट्स है कि पीपल क्या सोचेंगे उस एक्टिविटी के बारे में। वो ये देखता है कि इंसान, मतलब कोई बच्चा कोई भी काम करने से पहले ये सोचता है सोसाइटी क्या सोचेगी उसके बारे में। आई, जितना आई कंपल्सरी है उतना ही मी कंपल्सरी है, दोनों एक दूसरे के, दोनों मतलब एक दूसरे के लिए वैल्यू रखते हैं। इफ आई इज मोर देन मी कंट्रोल द आई, एंड इफ मी इज मोर देन कंट्रोल आई, मतलब कोई इंसान अगर ये सोच ले कि हाँ सब कुछ मेरे ऊपर समाज का ही कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं इस समाज में मैं भी तो समाज का हिस्सा हूँ। ये सब चीजें आई एंड मी हमें बताते हैं। नेक्स्ट ये बातें करते हैं रोल टेकिंग की। रोल टेकिंग यानी भूमिका ग्रहण। इसकी अवधारणा भी इन्होंने दी थी कि जैसे कोई भी बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से, अपने समाज से क्या क्या सीखता है, ये सब प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, रोल टेकिंग के अंदर आते हैं। तो हमने यहाँ बात की G.H.Mead की सेल्फ थ्योरी के अंदर ये बताते हैं सेल्फ की तीन स्टेजेस होती हैं, जर्नलाइज्ड अदर की बातें करते हैं, आई और मी का कंसेप्ट ही मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, और रोल टेकिंग का प्रोसेस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आर स्केयर स्टडीज फॉर फर्दर UGC-NET सोशियोलॉजी सिलेबस। थैंक यू।